गुड आफ्टरनून हर्षदा। तो देखिए, जो कन्विक्शन ट्रेड है वो पीआई इंडस्ट्रीज पे है। यहाँ पर एक खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड बना हुआ है। 2950 के रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच कर दिए हैं, आज बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो कुल मिला के पॉजिटिव ट्रेंड दिखता है और आई थिंक यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहना चाहिए। इसलिए करेंट लेवल पे खरीदारी करिए, 2940 के नीचे स्टॉप लॉस रख के 3100 रुपए के टारगेट सेट करिए। एपीआई इंडस्ट्रीज में आप देखें 3100 के टारगेट, और वाकई मानस ये बहुत ही बेहतरीन चार्ट है। सुबह भी अगर आप देखें इस स्टॉक ने गिरते हुए बाजार में पहली वाइब्रेशंस जो थी वो देनी शुरू करी थी। इस बीच आप देखिए, आइए कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक इज नाउ क्रॉसिंग इट्स 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन द हायर साइड। मैं इसलिए कोट कर रहा हूँ क्योंकि यही एग्जैक्टली वो का लेवल था जहां से इसने यू टर्न लिया था, यानी सिंक हो गया था। अमित सेठ जी नमस्कार, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेंद्र जी, मेरा भी कन्विक्शन कॉल बैंकिंग सेक्टर से है। डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक अगर हम देखें तो दैट इज द बेस्ट ऑफ द लॉट। लेकिन उसके अलावा अगर कोई मेरे को स्टॉक पसंद आ रहा तो उसका नाम है एसबीआई। रैशनल इसका ये है कि स्टॉक इज ट्रेडिंग अबव ऑल द शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, और आज इसने 504 का लेवल जो सुबह अर्ली मॉर्निंग टेस्ट किया दैट वाज समवेयर अराउंड द 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एसबीआई का टच करके स्टॉक ऑलमोस्ट डेज हाई पे आज ट्रेड कर रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में स्टेबिलिटी रहती है तो मुझे लगता है कि एसबीआई आफ्टर आईसीआईसीआई कैन ऑल्सो डू वेल। करंटली इसका प्राइस है 513 का, स्टॉप लॉस समवेयर रखूंगा 505 का। पहला टारगेट रहेगा 524 का एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 530 का। जी हाँ, चलिए तो SBI आपकी स्क्रीन पर आप देखें 5:30 तक का टारगेट है, और लीजिए जो आपको बात की थी 2 बजे, ठीक अब से 9 मिनट पहले, इट्स पॉसिबल कि बैंक निफ्टी 37800 को स्ट्राइक करे, ऑलमोस्ट 37800 आपकी स्क्रीन पर आप देखें। थैंक्स टू कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स डे हाई पे ट्रेड करते हुए। मैं एक्सिस का अगर आप देखें काफ़ी मुरीद रहा हूँ, स्पेशली इसका स्ट्रक्चर देखकर। मानस, आई थिंक एक्सिस भी बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर 793, और इस स्टॉक की आप स्ट्रेंथ को देखिए मानस, ठीक रेप्लिका है ये निफ्टी का इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर विद एवरेजेस। आपने इस स्टॉक को देखिए पोस्ट 28 मार्च कभी इवन अपना शॉर्टेस्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट नहीं किया। आप कैसे अप्रोच करेंगे एक्सिस बैंक को और ये कल की कैंडल के हाई को काटता हुआ, आपका टेक इस स्टॉक पे? तो देखिए, अगर हम प्राइवेट बैंकिंग स्पेस की बात करें तो दो चार तो सबसे बेहतरीन है, पहला आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा एक्सिस बैंक। और मेरा समझना है कि अगर बैंकिंग में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी तो ये दोनों स्टॉक ऐसे हैं जहां पर बहुत अच्छा पोटेंशियल है, ऊपर की तरफ काफी अच्छे स्तर देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक मेरा समझना यह है कि 850 और 860 के लेवल्स को वापस टेस्ट कर सकता है। आई थिंक करंट लेवल पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं, 775 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन ऊपर की तरफ 50-60 रुपए का स्पेस है, तो 850-860 के आप टारगेट सकते हैं। जी हाँ, ऊपर अगर आप देखें स्पेस है इस स्टॉक में अच्छा करता हुआ। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, देखिए थोड़ी सी मार्केट स्कैनिंग कर लेते हैं कि हो क्या क्या रहा है। कुछ कैश के स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं, कोई खास नहीं है ना, नॉट एग्जैक्टली। इट्स बैंकिंग, बैंकिंग और मेरी मेरी जो डेरिवेटिव्स की टिकर है ना, याद रखिएगा, कोटेक, देन ICICI, देन बैंक निफ्टी, टिक्स जो आ रहे हैं ना, आई मीन ओआईस के और डे हाइस के, डे लोस के, उसमें सिर्फ डे हाइस परसिस्ट कर रहे हैं, एंड इट्स बैंकिंग एंड इट्स निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक एग्जैक्टली अगर देखें इसने वैसे ही बिहेव किया जैसे अमूमन एक अंडरलाइन एक इंडेक्स 10 डेमा के ऊपर बिहेव करता है। 37700 डे हाई पर है ये। कोटक महिंद्रा बैंक की कोई कॉल पकड़ेंगे क्या आप बहती साहब? क्योंकि मैं जो जिक्र कर रहा था कि 50 डे कट गया और 50 डे के बाद पॉसिबिलिटी 1840 की बनती है जहां पे इसका 200 डे और 100 फ्लोट हो रहा है, आपका टेक इस स्टॉक पे? जी वीरेन जी, एक्चुअली